Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Rama Rama Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Rama Rama Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Rama Rama Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Rama Hari 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 Hari
का सब्जेक्ट है। इसमें भगवान जो है गीता जी में अर्जुन को उपदेश करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एकमात्र आने वाली हजारों हजारों पीढ़ियों तक जो लोग आएंगे उन सबके लिए ये गीता का अमूल्य ज्ञान, प्राचीनतम ज्ञान, जैसे भगवान ने बोला है कि यही अर्जुन यही ज्ञान मिले, सूर्य लोग के राजा ने विश्राम को दिया था, सृष्टि के कारण विश्वाम ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और वैवस्वत मनु ने उनके पुत्र राजा विश्राम को दिया। इस प्रकार से गुरु परंपरा से चला आ रहा भगवद गीता का ज्ञान आज भी हम लोगों को उपलब्ध है, जो इसका लाभ ले सकते हैं वो मनुष्य ये मानव जन्म को सफल बना सकते हैं। मानुषो दुर्लभो देही देही नाम क्षमा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठं प्रिय दर्शनम्। शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, लेकिन जो व्यक्ति समझ जाते हैं इस तत्व को वो भाग्यशाली है। बड़े भाग मानुष तक पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, बड़े भाग्यशाली जीव को जीव क्या है ये तमाम चौरासला जीव है, ये जीव आत्मा है। जितने भी आप देखें पशु पक्षी कीट पतंग कुत्ते बिल्ली ये सभी जीव आत्मा है, और ये जीवात्मा हम भी जीवात्मा है, हम भी जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा हैं, चैतन्य महाप्रभु गुरु नानक देव जी के समकालीन हुए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण के भक्त अवतार में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण अवतारी पुरुष है, अवतार नहीं। कोई व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण को अवतार बोले तो उसको शास्त्रों का ज्ञान अधूरा है, कम है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर सब उनके नीचे हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शिव है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक शिव है, एक एक विष्णु है, एक एक ब्रह्मा है। और एक ब्रह्मांड साधारण नहीं, ये बड़ा विस्तार वाला ब्रह्मांड है। और अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं। इस बात को आप जान जाते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। फिर आप जगह जगह भटकते नहीं बोलते कि कौन से देवता को पूजूं, कहां फूल चढ़ाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, यत् करोषि यदुष्णासि यत् जोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मद अर्पणम्। मुझे अर्पण कर, तू फूल लाता चुन चुन के मुझे अर्पण कर, तू क्या बनाता है सुंदर भोजन पहले मुझे अर्पण कर, तू क्या यज्ञ करता है दान करता है खाता है पीता है सब मुझे पहले अर्पण कर, मुझे प्रणाम कर बोल आओ मेरे प्रभु आपने हमको रहने को एक पृथ्वी दी, हमारा बाप लेके नहीं आया इस पृथ्वी को, हमारा बाबा भी लेके क्या ये पृथ्वी को, ये भगवान श्री कृष्ण ने हमको रहने के लिए दी। और ये चांद तारे और सूरज और ये सुंदर हवाएं छह ऋतुएं बारिश का होना गेहूं बाजरा ज्वार चना
ये किसने दिया? कौन से वैज्ञानिक ने बनाया? कोई वैज्ञानिक एक छोटा सा पत्ता नहीं बना सका आज तक, चाहे कितने झटपटियां बना ले, कितने फेरे पर बना ले, लेकिन पत्ता नहीं बना पाया। और उस प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल नूर, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। उसकी इच्छा के बिना आप यहां से वहां नहीं जा सकते। हम सब उसकी इच्छा से होता है, करे करावे आप या ग्रंथ साहब में वाणी कि वो प्रभु ही कराता है हमारे माध्यम से कि ये करो ये करो ये करो, और वो ही करता है। हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं करता हूं, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने ये पद जीत लिया, मैं फर्स्ट क्लास आया। नहीं, वो प्रभु, एक प्रभु बहुत बड़ी सत्ता है जिसको हम पहचान जाए तो हमारा एक बार बार जन्म लेना, अनेक माताओं के गर्भ में लपेटना है, कभी मनुष्य माता के, कभी कुत्ते बिल्लियों में, कभी गधे घोड़ों में, यह महात्मा है अगर अमर। हम अपने कर्मों के अनुसार हम अपने शरीर में आते हैं, शरीर प्राप्त करते। जैसे आपकी जेब में पैसे होते तो आप लेते टेरी कॉट लेना है, टेरी लेना है, या कॉटन लेना है, या ऊनी लेना है। आपकी जेब में पैसे जितने होंगे ऐसा जो सूट खरीदते हो आप, ऐसी हमारी कर्मों की कमाई जैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, अच्छी होगी तो हमको अच्छे परिवार मिलते हैं, अच्छा सुंदर रूप मिलता है, अच्छे दूसरी धरती, ऊंची से ऊंची धरती आ रहे हैं एक ही धरती की। हमारे कर्म कैसे, हमारे कर्म अगर बेड़े हो गए, गंदे कर्म है, घिनौने कर्म है, तो हम नरक की ओर जाते हैं। हमारा रथ जो है जीवन का रथ नरक की ओर जाता है। लोग शराब पीने बड़े शौक है, बोले तो फैशन, अरे फैशन है गौ का दूध पियो। फैशन तो ये है कि गौ का दूध पियो, शक्कर नहीं अच्छे लगते हो मिश्री कूट के डालो, कितना स्वादिष्ट लगता है। वो कभी शराब पीने की, और माता लोग भी ऐसी होती है, पति पी के आता उसको बोलती है, वो खुद नहीं पीती है, ये पति को बोलती नहीं कि मेरे को छोड़ा नहीं तू शराब पी गया है, बोलती नहीं आ जाओ मेरे भक्ता। नहीं, घरों में कोई बालक बच्चा बूढ़ा जवान और मर्द शराब नहीं पीना चाहिए, शराब घर में नहीं आनी चाहिए। ये भगवान को जानने का एक थोड़ा सा कदम आपने आगे बढ़ाया। वो मैं ऐसे दौड़ते रहो, कभी शंकर के दरबार में, कभी वैष्णो देवी के, कभी वृंदावन में, कभी हरिद्वार में, क्या होता है दौड़ने से, कभी प्रेम प्रेम के तरह आराम सकते हैं। नहीं दौड़ो मत, आपके प्रभु आपके हृदय में है, तेरा साईं तुझ में, जो पवन में वास, कस्तूरी को मृगड़ो फिर भी सुंदर घास। कस्तूरी का पेड़ होता है बहुत कम मिलता है, हिमालय में होता है, छोटा साइज का एक बड़ा होता है, उसके नारी में एक छोटा सा छोटा टमाटर होता है, इतना सा एक ऐसे हो जाता है रसोई जैसे, वो जब फूटता है तो उसमें कस्तूरी होती है। तो कस्तूरी को प्राप्त करने उसको लोग मार देते, लेकिन जब फूटता है तो उसकी बास, उसकी खुशबू 10-10 मील तक फैलती है, 10-10 मील तक, और भागा फिरता है, घास नहीं खाता है, भूखा मरता भागता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको मालूम नहीं। अज्ञानी है, जानवर है, हिरण है, कि अरे ये तेरी नाभि में से जो नासा भटा है इसमें से बास आ रही है कस्तूरी की, वही हालत हमारी है। ये कबीर जी का दुआ है, बहुत ज्ञान की बात है कि तेरा साईं तुझ में। मंदिरों में आपके भगवान नहीं बैठे, आप सोचते हैं मेरे नाम बैठे या कभी मुरली बजा रहा है, यहाँ नहीं बैठे, आपके घर में आपके राम और कृष्ण और शंकर बैठे हैं, उसको पहचानने के लिए ये सत्संग होते हैं। जब उसको पहचान जाओगे तो फिर इनको भी पहचानने लगोगे, तब आपको कर में उसके दर्शन होने लगेंगे। जब उसको नहीं पहचाना तो इनमें क्या होगा, कोई दर्शन
शुरू हुआ, गिड़गिड़ाते हैं लो बाबा कोई पुत्र नहीं होता मेरे, पुत्र दे देना भोले बाबा दूध चढ़ाऊंगी, सास बाबा दूध चढ़ाऊंगी एक पुत्र दे देना। वो बिल्ली वो सुअर कोई दूध नहीं चढ़ाता शंकर बाबा को, एक दर्जन बच्चे होते सुअर भी, एक बार में एक दर्जन बच्चे होते, कोई शंकर बाबा को डालती नहीं कौन सी नहीं, आपके कर्मों से आपका बच्चा होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके दस पुत्र होंगे, मोहन आर पुत्र होंगे, कर्म बिगड़े हुए तो अगर हो भी गए तो दलद्री पुत्र कहना राक्षस बुद्धि का पुत्र कहना, कर्मों का खेल है मेरी माता, कर्म को सुधारना है और कुछ नहीं, और कर्म तीन प्रकार से बनते हैं, मनसा वाचा कर्म, शरीर से कर्म बनते हैं, हम कर्म करते हैं, गाय को रोटियां खिलाते हैं, किसी को भिखारी को भिक्षा देनी, किसी आए गए के गुरु जी के चरण छूए, हमें घर को साफ करा साफ सुथरा करा सुंदर भोग बनाया, कर्म हाथों से कर्म शरीर से कर्म हो रहा है, किसी को झाड़ू मार दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी के बंदूक उठा के गोली मार दी, हत्या कर दी, ये कर्म शरीर से होगा, इसका भी फल मिलता है और मन से जो कर्म होता है उसका भी फल। हम मन से क्या करते हैं, मन से हम शरीर से भी करते उससे भी कई गुना अधिक कर्म करते हैं, बैठ जाते हैं किसी को बदुआ देते रहते हैं, बुरा हो गया इसका एक्सीडेंट हो गया इसका, ये कर्म है इसका फल मिलता है रिकॉर्ड हो गया आता है, जब विचार करते मुंह बंद करते उसका भी फल हमको आगे तक आता है, वहां कि ले बेटा तू ऐसे सोच रहा था उसका तो एक्सीडेंट हो गया है ना तेरा पहले हो गया, ये सत्य है, इसलिए तुलसीदास जी को साधारण व्यक्ति का नाम नहीं, वो कह रहे कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जस करे सो तस फल चाखा। अरे मेरे भाइयों कर्म प्रधान है, मनसा वाचा करना बोले से हम कर्म करते हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री हमारे प्रेसिडेंट अध्यक्ष ने एक लाइन बोली थी 2001 में, अटक इराक इराक को अटक करो हमला करो, एक लाइन बोली थी, लाखों आदमी मरे कुछ होते भी मरे ज्यादातर मुसलमान मरे, एक लाइन से भी उसने कर्म कर दिया तो आपकी वाणी भी कर्म करती है, मीठा बोलती है हरी भजन करती है राम 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 जब करती है वाहिगुरु वाहिगुरु जब करती है और गाली भी देती है, अपनी बहु को सास जब पास कह दिया थी तेरे घरों का दिया क्या बड़े नखरे दिखा लिए मामा सावन मामा कभी नहीं है, तो ये जवान सिर कर्म हो रहे हैं, इनका फल मिलता है सिमर सिमर धागे करता होगा, तो मनसा वाचा करना तीन तरह से हमारे कर्म होते हैं, इन कर्मों से हमको स्वस्थ रूप की इच्छा होता है, इन कर्मों से हमको अपने जीवन को सुधार सकते हैं, क्योंकि कर्म हमारे हमारे अच्छे नहीं हो ये गुणा कर्म कर्म हमारे अच्छे नहीं हो तो भगवान प्रसन्न नहीं, कर्मों से गुरु मिलता है, आपके कर्म बड़े उज्जवल होंगे तो एक शुद्ध गुरु मिलेगा आपको, कर्मों के बिना गुरु नहीं मिलता, कर्मों के बिना शास्त्र नहीं मिलता, कर्मों के बिना साधु के दर्शन नहीं होते, हजार महीनों बीत जाता कोई साधु के दर्शन नहीं, कर्मों से अपन को अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे परिवार मिलता है, अच्छी धरती मिलती है और भगवान का धाम भी कर्मों से मिलता है, उसको कहते हैं कर्म योगी, जो भी करो वो भगवान के लिए करो, ये बड़ा भारी कर्म योगी के कर्म है, यह अकर्म योगी कोई नहीं हो सकता है, यदि मेरे से कमा करने का कभी हुआ गृहस्थी हो वानप्रस्थी हो ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो कोई भी कर्म कर सबको कर्म करना पड़ता है, वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते क्या, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते तो हमारे कर्म छूटते नहीं सच्चा
आप जानेंगे कि अच्छे कर्म करूंगी तो मेरे भगवान चोरी करूंगी तो मेरे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, झूठ बोलूंगी मेरे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वो हृदय में बैठे आपकी झूठ को भी समझते हो, आपके छोटे छोटे विचारों को जानते हैं, आपका लेखा लिखा जाता है, आप क्या कर रहे हैं, आपके हृदय में आपकी पूरी क्या सिम होती है, सिम छोटा रजिस्टर नहीं टेलीफोन सिम होती है, आपकी पूरी जिंदगी की सिम आपके हृदय है और उसके अनुसार आपको प्रणाम करता है। इस चीज को आप समझ गई तो आधे शास्त्र को समझ गए, जितने शास्त्र जितने बातों सुनिए आधा शास्त्र आप समझ गए कि परमपिता परमेश्वर एक है और वो अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। आपका आधा जन्म जन्म सफल हो गया, कर्मण्य का अधिकार सुखा करा माँ कर्म फले तू भूमा ते सर्व अस्तु कर्मी, ये अर्जुन कर्म करने में तेरा अधिकार है, ये आपको भगवान ने थोड़ी सी आजादी स्वतंत्र हम चाहे जैसे कर्म करें कर्मों में आदर दीजिए, भगवान बोले कर्मण्य अधिकार कर्म में तेरा अधिकार कर्मण्य वो अधिकार अधिकार जो तू चाहे तो युद्ध कर या मत कर, संन्यास ले या भीख मांग, कर्म तेरा अधिकार है, ये फल में तेरा अधिकार नहीं है कि तू कर्म तो करे बुरे और फल में तेरे मीठा कैसे मिलेगा, बुरे पेट को मुड़ के आम कहां से खाए मेरे भाई, बबूल का बीज बोलिए तो कांटे वाला बबूल पैदा होगा, आम कैसे आएंगे, आम के लिए तो आम का बीज बोल कर्म का वर्क है, कर्म के ऊपर शास्त्र पूछे गए हैं, ये जन्म कर्म से मिला है, हमने पीछे कोई ऐसे कर्म किए थे ऐसे कोई पूर्ण कर्म किए थे कि हमको मनुष्य जानवरों में भी अच्छे जानवर होते हैं और बुरे जानवर होते हैं, जानवरों में ऐसे ऐसे दौड़ पाता है उसका बिना बच्चे दूध निकालो, छोटा बच्चा उसके पीछे खेलता है कुछ नहीं बोलती, छोटा बच्चा धर्म से रूप में लेकर कुछ नहीं बोलती, ऐसी सरल सिद्धि का है उनका कल्याण होता है और वो मनुष्य भी मानते हैं, ऐसे बैल ऐसे सज्जन घोड़े मनुष्य भी मानते हैं और हमें यदि देते हैं तो ये चल जाते विज्ञान साइंस इसको कोई काम नहीं सकता, ये अज्ञान वचन है, कर्म का खेल है, कर्म से आपको शरीर मिला, कर्म से माता पिता मिले, कर्म से हम एम ए पढ़े बी ए पढ़े कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़े, कर्म से हमको बड़ी पद मिला, आज वो भी बैठा है तो कुछ तो कर्म किए तब प्रधानमंत्री बन के बैठा है, कौन पूछता हम देश को दूसरे भी नहीं मिली था तो कुछ कर्म किए हैं उसने, चाहे हाथ जोड़े जगह मेरी भाई हो मेरी माता हो मेरी बहन हो बोल मुझे देना मैं तुम्हारे भारत को छक्का दूंगा, कुछ कर्म किए हैं तो प्रधानमंत्री के बनता है आप सब प्रसन्न हो गए बोल दीजिए जीत गए, कर्मों का खेल है कर्मों का लेखा जोखा है, कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे और जिंदगी है चार दिन की दिन लगाना छोड़ दे, इस संसार में मत फंस, ये विश्व भोगों में मत फंस, निकल कर कमाई नहीं करने मुक्त खाना छोड़ दे, जिंदगी है चार दिन की और चार दिन की बोला है बोलने वाले कि बचपना जिंदगी तीन दिन की है, पहला दिन आपका बचपना है, दूसरा दिन आपकी जवानी है और तीसरा दिन बुढ़ापा है, इसके बाद तो जिंदगी है नहीं फिर तो मृत्यु भरी है था क्या जाओ आगे नहीं, तीन दिन की जवानी है जिंदगी है, चार दिन की बोलने वाले ने मृत्यु को पहला घंटा बचपना दूजा तेरी जवानी और तीसरा घंटा बुढ़ापा और इसके बाद क्या है तुम्हारी खाली मकान खाली हो जाता है, कुर्सियां खाली हो जाती है, तुम्हारे सोफा से लोगों को कोई काम नहीं, लेफ्ट में कोई काम नहीं, इसलिए ये मनुष्य शरीर को पाकर के
हमको और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे पति को शुद्ध कार्य करना सिखाना चाहिए, चोरी करना नहीं। बच्चे चोरी करते, पीटते, परीक्षा में पीटते, ये क्या है? चोरी, चोरी की जड़ जमाने, जब चोरी कर सकते हैं। पैंस चोरी, पैंस चोरी, बच्चों को चोरी करना नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, जो बात है वैसी अपन माता पिता को बोल देना चाहिए। तो आप अच्छे बनो, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, पूजा करेंगे, फूलों का हार डालेंगे, करेंगे, ये बच्चा पवित्र है, अच्छा है, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, किसी को मारता पीटता नहीं, शुद्ध रहता। कर्म, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीन ही योग है गीता के, चौथा एक तीनों में ध्यान जुड़ा हुआ है, ध्यान तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से कर्म होगा, आपका ध्यान नहीं है तो आप रोक के अच्छी तरह से, आपका ध्यान है तो अच्छी तरह आटा बना रही है, सुंदर सुंदर रोटी ध्यान पूर्वक कर रही है, आपने नमक कितना डाला है मिर्ची, ध्यान नहीं है तो रोटी नहीं बन सकती, सब्जी नहीं बन सकती, बिगड़ जाएगी। तो कर्म योग में भी ध्यान है, ज्ञान योग में भी ध्यान है और भक्ति योग में भी ध्यान। ध्यान के बिना पुजारी पूजा नहीं कर सकते, ध्यान पूर्वक करनी है, ध्यान के बिना तकलीफ नहीं होती, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान की तीनों में समाहित है। इसलिए तीन योग है, योग वाणी भगवान से मिलन, योग का मतलब है संस्कृत है योग, योग वाणी आत्मा का परमात्मा से मिलना कैसे हो, यह योग है। कहते हैं अरे भाई संयोग की बात है, आप मुझे मिल गए, संयोग यह योग है, संयोग मान योग देखना, संयोग बहुत अभी संयोग मान शुद्ध योग, मतलब योग जरूरी है, योग मानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये योग। तो कर्म योग के कारण भी, कर्म योग से भी भगवान को मिला जा सकता है, यदि आप निष्काम कर्म करते हैं, कर्म करके उसका फल नहीं मांगते, कर्म करके खेती करती है और यह आशा लेकर 300 का पैदा हो, आप अपनी ईमानदार से खेती कर रही जितना फल देगा उतना मिल जाए, ये निष्काम करते हैं। और ये जानकर के प्रभु का दिया हुआ उसको पहले प्रणाम करके उनको जो पहले चला दो, मंदिर में थोड़ा नया गेहूं आया है मंदिर में थोड़ा गेहूं चला दो, तो भगवान को आपके सामने गेहूं अर्पण हो गए, एक दो थोड़ा सा, ये है निष्काम व्यक्ति, आपने माने नहीं, अगर मंदिरों में कौन आते हैं, मारने वाले भिखारी लोगों की लाइन आती है, 99% आदमी मानते हैं कुछ न कुछ, ये भक्ति नहीं है, ये बिजनेस है, वो भी भक्त है भगवान के भक्त है, ये चौथे नंबर फोर्थ क्लास, फर्स्ट नंबर के लिए, फर्स्ट नंबर के भक्त भगवान से मांगते नहीं, क्योंकि हे प्रभु आपने सब कुछ दिया मुझे, सुंदर नेत्र दिए, मनुष्य का शरीर दिया, सारे ज्ञान सूझ बूझ बुद्धि दी, रहने को छत दी, खाने को भोजन दिया, बाल बच्चे दिए, कमी क्या है, थोड़े को बिस्तर दिए, आपकी कृपा है और मेरे खेत में या मेरे आंगन में फूल खिलाए, मैं आपके लिए लाई अर्पण कर दू, ये मांगना क्या है गुरु से, मुझे संतान दे देना, किस कौन सी संतान ने किस माला को निहार किया, श्रवण कुमार बार बार पैदा नहीं होते, होते हैं नहीं मारना भी, बुढ़ापा ज्यादा आता है तब पता चलता है कौन साफ होता है, कौन सा बेटा साफ दे रहा है, कौन सी बेटी साफ दे रही है, सब ये स्वार्थ के रिश्ते होते हैं और ये जगत में जो रिश्ते होते हैं बिगड़ जाते हैं, अभी तुम्हारा पति और पुत्र कोई और है, ये पिछले जन्म तो आपको याद नहीं, कौन था पति, कौन था पुत्र, कौन था पिता, कहाँ थी, कौन सा मेरा पिता था, कौन सा भारत था या अमेरिका था, मैं कहाँ था, वो पिछले सब भूल गए, अभी नए नए बोले मैं हम मम्मी मम्मी दादी दादी, आप बोले बेटा बेटा पोता पोता आजा मेरे बेटे आने में, ठीक है लेकिन मोह बड़ी बड़ी मोह बड़ी मोह बड़ी खतरनाक चीज है, मोह
जन्म मरो जरा व्याधि जरा मन बुढ़ापा इनसे कभी नहीं छूटता, उसका बार बार जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, हजार लाख करोड़ जन्म होते हैं। मोह के कारण मोह फंसा रहता है संसार, और मोह के कारण प्राण भी नहीं निकल सकते कि मेरा घर रह गया, मेरा पुत्र रह गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कुछ ही गर्व भगवान श्री कृष्ण ने कहा है त्रिविधम नरकम शीलम द्वार, हे अर्जुन नरक के तीन दरवाजे यहां से प्रारंभ होते जहां तू खड़ा है। हम सब जान रहे हैं नरक के तीन दरवाजे हैं, त्रिविधम नरकम शीलम द्वार नाशनम आत्मना, ये आत्मा का पतन करने के लिए या आत्मा को नरक की ओर ले जाने के लिए हमको हमारा त्रिविधम नरकश इधम द्वारा नाशनम आत्मना। अर्जुन पूछते हैं वो क्या है भगवान, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध और लोभ। काम क्या है, संसार को भोगने की वासनाएं, पूरा विश्व का मैं संवाद करता हूं ये काम वासना, ये पूरा विश्व का संवाद करने के लिए कितने पाप कार्य करने पड़ेंगे ये मान लीजिए, कितने पापों से गुजरना पड़ेगा ये मान लीजिए, लेकिन अभिलाषा नहीं करो काम वाली काम वासना कहते ना मनोकामना पूर्ण करो बाबा बम भोले नाम है, बड़े प्रेम से गाते हैं बाबा बम भोले नाम, मन की कामना दिल की भावना पूर्ण करो बाबा बम भोले नाम, बाबा बम भोले नाम, अरे बाबा की झोली में काका विराजे आके धतूरे और गाने की डाल बाबा बम भोले नाम। तो बाबा से बोले मेरी कामना पूर्ण करो बाबा, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, और शास्त्र मना करते कृष्ण कहते हैं काम वासना जो है ये नरक का दरवाजा है, ये नरक तक ले जाएगा तुमको, बड़ी बड़ी अभिलाषाएं मैं ये बनना हूं नहीं, हमको अपनी शुद्ध कार्य करते हुए जीवन देना चाहिए, हम चाहे जिस हाल में भगवान रखता है ये हमको अपनी कर्तव्य करनी चाहिए। मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, मेरा तीन से छह पार होते यहाँ पर ड्यूटी है सेवा कि बोलो कुछ मारा, मैं बोलता हूँ एक माता थी मैं बोलता हूँ और कोई भी होता था दोनों बोलते तो मेरे मित्र तो परमिंदर सिंह के नाम वो गुरुद्वारों में कथा करते गुरुवाणी के सेवक तो ऐसे हमारे कर्तव्य हमको पूरा करना चाहिए। खेत है तो खेत में खेती करनी चाहिए ईमानदारी से, पौधों को प्रसन्न करना चाहिए, परिवार परिवार को प्रसन्न करना चाहिए, ये हमारे कर्म है, और परिश्रम करना तो धर्म है। आप पढ़ाई करें तो परिश्रम करो, कर्म करें तो परिश्रम करो, अब फल कौन सा आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। आदमी अरब अरबों रुपए की जहाज लेकर के चलता है कि अमेरिका में मेरा माल बिकेगा तो एक अरब का प्रॉफिट होगा, लेकिन जहाज तो समुद्र में डूब जाता है, फल उसके हाथ में नहीं है, कर्म उसके हाथ में, कर्म हमारे हाथ में है। कर्म नहीं आपका रास्ते माँ फले सुखदाता है, कर्म ने वाटिका रस्त और नजदीक लो नजदीक लो, कर्म ने वाटिका रस्ते माँ फले सु कदा चल, बेटा कर्म करो परिश्रम करो, गलती मत करो कि कर्म नहीं करेंगे, घर को देखो सफाई है हमारे घर कहीं कचरा तो साफ करो, माँ को बोलने से तुम पड़े तुम खुद करो यार अच्छी है, मैं बाहर के पानी भर दिए कपड़े से दिए कपड़े से कर दिए तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी और मकान साफ हो जाए, ये कर्म है। पढ़ाई करते स्कूल में ईमानदारी से करो, टीम में इच्छा मत करो कि मास्टर को ध्यान नहीं, ये चोरी सीखो, चोरी करना मत सीखो, टीम में मत सीखो, फेल हो जाओ अच्छा है, फेल हो जाना उत्तम है,
फिर तुम अच्छी तरह से मजबूती पकड़ोगे, लेकिन तीर के निकल गए तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। चोरी सीखोगे जिंदगी बढ़ती है, छोटा बच्चा जो सीखता है जिंदगी और उसको उसके हाथ में ये देखा गया है। मैंने भी एक आम चुराया था इंदौर की मंडी में से, मेरे अंकल जो है आगे आगे जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, 3 क्लास का या 2 क्लास का विद्यार्थी बोल रही तो देर पड़ी थी आमों की, देर लग रही है ना बाजार में मार्केट में, बड़ी बड़ी देर बिक्री हुई थोक से भी, तो वो इसको क्या पसंद करेगा ये फल, तो वो उठा लिया तो अंकल ने बाहर कर दिया आप उसने आम दे, ये कहाँ से लाया, मैंने बोला वहाँ से उठाया। ऐसा बड़ा मुझे वो छापड़ अभी भी याद है मुझे, पता क्या है हम पता क्या और रोने लग गया। तो मुझे मालूम है चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करने से आदमी महात्मा बनता है, चोरी करोगे तो जेलों की सलाखों के पीछे जाओगे। टीप ना चोरी है, परीक्षा में जो माँ बाप गए कि टीप लेना भी है वो गलत सिखा रहे हैं। समझ गए, आपका कोई ना अपने फैशन पर फटा हुआ पिता कोई बात नहीं चलेगा, ये साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, शाम को धो लो दिन में पसीना आया दो भी सुखा लो। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चोरी करना महापाप है, आपका सोने की हमें नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है सोने की हमें पहनना करे, थोड़ा काला थोड़ा डाल लो क्या फर्क पड़ता है, दौरान पर अगर सोने के जेवर उसको पहने दो तुम्हारे घर की शोभा है। जन्म ये जन्म ईर्ष्या नरक में ले जाती है। बच्चों खेलो मत इधर, ये खेल बंद है यार, ये खेल का मैदान थोड़ी है, इधर बैठ जाओ कुछ ले लो। त्रिविधम नरकश इदम द्वारम, हे अर्जुन नरक के 3 दरवाजे यहीं से प्रारंभ होते हैं, अमृतसर से कृष्ण जी बोलते हैं। पूछते हैं कि भगवान को कौन से 3 दरवाजे, आपको मैंने बोल दिया काम काम, या भक्त बोलेगा आपको मनोकामना पूर्ण करो, और कामना क्या है, एक अच्छी दर्जे की कोठी बन जाए, 2-3 कार आ जाए, बैंक में करोड़ों रुपया हो जाए, और लोग हमारे प्रतिष्ठा करें सम्मान करें पूरा अमृतसर हमको प्रणाम करें, ये कामना है, ये 2 धैर्य की कामना है, ये 2 धैर्य की आप धैर्य मिल सकती, 2 पैसे की कामना है, पैसे यानी कुछ भी इसका वैल्यू नहीं है। ये कामना के लिए बोले पर भोले जी के पास मत आओ, इसके लिए मेहनत करो हो जाओगे, मेहनत करो कोठी बन जाएगी, मेहनत करो कोठी बन जाएगी, नहीं बनेगी मेहनत।